कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मैराथन बैठक में सोनिया गांधी की इस्तीफे की पेशकश नामंजूर, बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी के बागी नेताओं पर होगी कार्रवाई, वर्किंग कमेटी की बैठक में हुई थी गहमा गहमी। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की हालत बिगड़ी, भर्ती हुए रांची के मेदांता अस्पताल में होगा प्लाज्मा ट्रांसफर। झारखंड में विश्वविद्यालय और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए होगा पदों का सृजन, स्क्रीनिंग कमेटी के गठन पर सीएम की सहमति। दुनिया में सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक है सीरम, बोली देश के लोगों को उपलब्ध कराएंगे वर्ल्ड क्लास वैक्सीन। कई देशों में एक साथ डाउन हुआ जूम, ऑनलाइन क्लासेज हुई बाधित। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की सुरक्षा में तैनात 19 पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। झारखंड के राजभवन के 49 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव, राज्यपाल लगातार कर रही हैं काढ़े का सेवन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 37 मंडियों में 5,000 मैट्रिक टन के नए भंडार गृहों का ई शिलान्यास किया। सुशांत सिंह राजपूत को जहर देकर मारा गया, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक 5 मंजिला इमारत के ध्वस्त होने पर 2 मरे, 18 घायल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताई चिंता। विपक्षी दलों ने नीट 2020 और जेईई मेंस की 1 सितंबर से होने वाली परीक्षा को स्थगित करने की मांग की। बिहार में आज से बस सेवाएं शुरू हुई, लेकिन इस दौरान बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। लखोवाल के कक्षा 8वीं के एक छात्र ने अपने पिता के साथ मिलकर एक ऐसी साइकिल बनाई जो आगे से स्कूटर और पीछे से साइकिल। कोरोना वायरस महामारी की वजह से करीब 80 दिनों से बंद चंबकड़ा मछली मार्केट कल से लोगों के लिए खुली। बिला वाले घरों को रोशन तो करते ही बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं।